गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग जिसकी होने वाली है 6 मई 2022 में एंड उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होने वाली है 16 मई 2022 में, जिसके थंबनेल आप लोग देख के आए हैं। तो उससे जुड़ी आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो ऑनबोर्डिंग से पहले आप लोग को जानने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा PRP, बिकॉज आप लोगों को पता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग भी सक्सेसफुली हो जाएगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज PRP, प्री रेडीनेस प्रोग्राम, जिसके थ्रू टेस्ट होता है। उस टेस्ट को पास करना जरूरी होता है। अगर वो टेस्ट को आप फुलफिल क्राइटेरिया के अंदर पास नहीं कर पाते हो तो आपको विप्रो कंपनी को छोड़नी पड़ती है। सो PRP के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, टोटल रोड मैप मैं उसमें दिया हूँ। उसके अलावा भी आपको कोई परेशानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम PRP का चिटशीट वगैरह को अपडेट करते रहता हूँ या फिर ऑनबोर्डिंग से जुड़े हर एक इशू को मैं सॉल्व करते रहता हूँ। सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बढ़ते मेल की ओर, और आपको बताते हैं क्या करना है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये वो मेल जो आप लोगों को भी आए होंगे, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ नाम से रिज्यूम नंबर वगैरह हटा दिया हूँ फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल इशू, ठीक है। तो जिन लोगों का रिज्यूम नंबर मिस हुआ था तो ऑनबोर्डिंग वाले मेल में क्लियरली यहाँ पे रिज्यूम नंबर मेंशन रहता है। देखिए यहाँ पे वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डेट है 6 मई, टाइम है आपके 9 AM टू शाम की 4-5 बजे तक चलती है। इसके थ्रू इस पर ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम, सपोज आपका नेम ए फॉर आकाश है तो आपकी फर्स्ट राउंड में होगी, और किसी का नंबर एस फॉर शिवम है, सपोज मेरा नाम ले लेते हैं एस फॉर शिवम है तो शिवम की लास्ट में होगी, ठीक है। सो आप लोग टाइम गैप कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाते हैं, विप्रो के बारे में बताए जाते हैं, जो आप लोग एक बार जानोगे तो काफी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इसमें मैनेजर्स लोग बहुत बार रहते हैं ना कि हायरार्की ट्री वगैरह दिखाते हैं कि आपकी कैसे कैसे प्रमोशन होगी, कैसे आप डिफरेंट बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 16 मई होने वाली, मतलब कि आफ्टर 10 डेज ऑफ ऑनबोर्डिंग, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग डे के दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई सिर्फ उन लोगों के ही होते हैं ऑनबोर्डिंग डे में जिसकी सक्सेसफुली बैकग्राउंड वेरीफिकेशन नहीं हो पाती है। सपोज आपकी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन में कुछ कुछ इशूज हैं तो आप लोगों को उस दिन बैठना पड़ेगा, बैठ कर उसको क्लियर आउट करवाना पड़ेगा। काफी लोगों की इशूज आ रही है प्रोविजनल को लेके, ठीक है, कि प्रोविजनल अगर आपके पास नहीं है तो आपको कॉलेज से एक अंडरटेकिंग लिखवाना होगा, अंडरटेकिंग इन द सेंस कि कॉलेज के एक पैम्पलेट पे जहाँ पे कॉलेज का ऑथराइजेशन या फिर HOD की साइन होनी चाहिए, वहाँ पे लिखा चाहिए कि दिस स्टूडेंट इज सर्टिफाइड विद 60% ऑफ एग्रीगेट लाइक दैट। इस स्टेप से आपको लिखा के प्रोविजनल के प्लेस पे इसको सबमिट करना होता है, काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। इसके लिए आपको 90 डेज का वो लोग समय देते हैं 2022 बैच वालों के लिए। अगर आप 2021 पास आउट बैच है तो आपके लिए ये मैंडेटरी क्राइटेरिया कि आपको प्रोविजनल ही सबमिट करना होगा। अगर आपके कॉलेज में कोई इश्यूज है तो उसकी जगह पे आपको कॉलेज के थ्रू मेल करवाना होता है कंपनी में, या फिर कॉलेज वाला आपको मेल करेंगे, उस मेल का आप स्क्रीनशॉट अटैच करोगे। ये काफी मैंडेटरी है। जिन लोगों का सारा चीज क्लियर, तो उसके ऑनबोर्डिंग वाले डे में सिर्फ बैठ कर चिल करना है, इंजॉय करना है, सारे टर्म्स को नोट डाउन करना है, बिकॉज काफी ज्यादा पोर्टल्स के बारे में बताए जाते हैं, ऑनबोर्डिंग के सारे क्राइटेरियाज वगैरह को बताए जाते हैं। ऑनबोर्डिंग वाले दिन के ज्वाइनिंग फॉर्म्स भरा जाता है, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग वाले से ठीक 1 वीक पहले ज्वाइनिंग फॉर्म्स आता है, तो ऑनबोर्डिंग वाले दिन ज्वाइनिंग फॉर्म्स आता है। तो ज्वाइनिंग फॉर्म्स मैं बोलूंगा कि आप लोग खुद से फिल प्लीज 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 मत करो, बिकॉज अगर ज्वाइनिंग फॉर्म्स आप लोग खुद से फिल कर दोगे, ज्वाइनिंग फॉर्म्स अगर खुद आपसे फिल कर दोगे तो काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। सो ज्वाइनिंग फॉर्म्स पहले वो लोग एक प्री कनेक्ट सेशन रखते हैं जिसमें ज्वाइनिंग फॉर्म्स 8 या 9 होती है ज्वाइनिंग फॉर्म्स, वो सारे को सिंपली फिल करवाते हैं वो लोग। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्री कनेक्ट सेशन का वेट करें ज्वाइनिंग फॉर्म्स भरने के लिए, पहले ही नहीं भरे, वो लोग सारी चीज करवाते हैं। इनकेस आप ज्वाइनिंग फॉर्म्स नहीं भी भरते हो फिर भी आपकी ऑनबोर्डिंग डे होती है, और ऑनबोर्डिंग डे वाले दिन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्री ज्वाइनिंग कनेक्ट का, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू विप्रोएक्ट, मतलब ये वही प्री ज्वाइनिंग कनेक्ट सेशन है जो 1 वीक पहले होती है ऑनबोर्डिंग से। सपोज आपके 186 में, तो मे बी आप 20-29 अप्रैल तक इसे रिसीव कर सकते हो या फिर ज्वाइनिंग फॉर्म्स को रिसीव कर सकते हो। ज्वाइनिंग फॉर्म सपोज आपकी आती है 28 अप्रैल को, तो मे बी 29 और 30 अप्रैल को आपकी प्री कनेक्ट सेशन होगी, जिसके थ्रू आपके सारे क्राइटेरियाज वगैरह को बताया जाता है। सो आप लोग इस यहाँ तक वेट करो। इनकेस आपके पास कोई भी चीज इशू है तो वहाँ पे टीम्स के थ्रू कॉलिंग होती है, ये कॉलिंग में अगर आप लोग लाइव होती है, ठीक है, तो इसमें आप लोग ना बाय ऑडियो बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोगों को मैसेज करना होता है एज एनोनिमस। अगर मैसेज आप कर दोगे तो अगर आपके क्वेश्चन अच्छी फाइंड होती है तो लोग उसकी रिप्लाई बैक करते हैं, ओके।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दे। फिर भी ज्वाइनिंग फॉर्म से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है फॉर्म फिल करने में तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कर दे तो, लेकिन स्क्रीन शॉट अटैच नहीं करते। अगर पहले आप लोग स्क्रीन शॉट अटैच करके मुझे मैसेज करोगे तो मुझे समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। एंड इसी तरह हम लोग जॉब अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स कॉलेज ग्रुप में शेयर करें अगर आपके फ्रेंड्स को एक अच्छी जॉब की नीड है। सो दिस चैनल इज बेस्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स। सो सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।